देखो ये इंडिकेटर है, किसी काम का नहीं है, अभी इसको तोड़ते हैं। फेंक दिया, अब इसका कोई काम नहीं है। फोग लैंप लगने के बाद गाड़ी में पूरा लुक आ जाएगा VXI वाला। जाली ये चेंज करवाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लो भाई ये VXI बनानी है इसको। LXI गाड़ी है, LXI का पता कैसे लगता है मीटर से? देखो सिंगल मीटर आता है इसमें, और दूसरी चीज एक इसमें आता है कि इंडिकेटर होता है बाहर, शीशे में इंडिकेटर नहीं होता। तो अब शीशे में इंडिकेटर टर्न करने के लिए, क्योंकि बाहर से पता लगता है गाड़ी VXI है LXI है। तो देखो ये इंडिकेटर है शीशे का, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मात्र ये कितने का आता है? 150 रुपये का आता है। बस 150 रुपये में तुम्हारी बाहर से गाड़ी VXI लगेगी, और कहीं से पता नहीं लगेगा गाड़ी VXI है LXI है। तो देखो ये वाला जो इंडिकेटर है इसको बंद कर देंगे और इसको चालू कर देंगे। अभी इसका प्रोसेस बताते हैं। देखो अभी ये शीशे में सेट हो गया है, अब इसके ऊपर इसकी कैप लगेगी दूसरे वाली जो आती है, इसकी ओरिजिनल VXI वाली, वो लग के ये कवर कर देंगे। अब वो दिखाता हूँ मैं कवर कैसे करेंगे। देखो इधर से हो गया है, तो इधर दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इधर कवर हो गया, ऐसे कवर हो गया है, इसमें ये लग गया है, ऊपर से इसकी और खोपड़ी लग जाएगी। तो उसके बाद गाड़ी VXI में कन्वर्ट हो जाएगी इधर से। अब 150-150-300 रुपये का खर्चा है, और जो ये लगा है उधर स्टिकर जो लगाया है वो 400 रुपये का। 700 रुपये में तुम्हारी गाड़ी VXI हो जाएगी LXI से। अभी पूरा होने के बाद उसके बाद दिखाता हूँ तुम्हें। ये बस 400 रुपये का आता है, इसके बाद ये इंडिकेटर तुम्हारे 600-700 में पूरी हो जाएगी। बस एक बार फ्रंट से ना जो इसकी ग्रिल चेंज हो जाए ना एक बार VXI वाली, बाकी तो देखो गाड़ी नई लग रही है बिल्कुल। ये बंदे ने लगवाए हैं, ठीक है, इसमें फोग लैम्प की ज़रूरत है बस, और इधर भी फोग लैम्प लगेंगे ना। तो उसके बाद गाड़ी, फोग लैम्प लगने के बाद गाड़ी में पूरा लुक आ जाएगा VXI वाला। जाली ये चेंज करवाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यही वाली आती है इसमें। तो बदल देंगे इसकी, दिखाइए एक बार भाई। ये इंडिकेटर है, अभी किसी काम का नहीं है। ले भाई ये पकड़ अपना, देखो ये इंडिकेटर है, ये किसी काम का नहीं है। अभी इसको तोड़ते हैं, फेंक दिया, अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि गाड़ी पहले कन्वर्ट होगी VXI में। भाई ये सबसे बेकार लगता है गाड़ी में, कि पीछे से जो ये इंडिकेटर है ना साइड में, ये बहुत बेकार लगते हैं गाड़ी में। तो मिरर में सेट कर दिए हैं, अभी ये पूरा सेट हो जाएगा। एक बार इंडिकेटर चालू हो जाएंगे दोनों, तो दिखाते हैं उसके बाद। देखो यहीं से डायरेक्ट तार के कनेक्शन हो रहे हैं, करवाई तार, फिर इसके बाद ये जल जाएगा। वो तो तोड़ ही दिया मैंने, देखो जला नहीं भाई, उल्टा लग रहे तार, जल गया तार। ले भाई देखो जल रहा है, ये जल गया। वाह भाई वाह, क्या बात है, होगी ना सेटिंग पूरी। देखो मिनिमम खर्चे में, और यही तुम दिल्ली में करवाते ना तो वो पता कितने पैसे ले लेते तुमसे, इसी के 2000 रुपये ले लेते। कि ले भाई 2000 में तुम्हारे इंडिकेटर चेंज कर दिया, साइड मिरर तुम्हारे वही लगा दिए हैं हमने, कुछ नहीं लगाते वो, यही करते हैं वो, क्या करते हैं खोपड़ी लगाते नहीं, और इसके बाद इंडिकेटर लगाते, बोलते VXI वाले हो गए हैं भाई, कुछ नहीं होता। देख लो 700 रुपये में कर दिया हमने, बस 700 रुपये में VXI बना दी पूरी गाड़ी। और 700 भी इसलिए लगे हैं कि ये जो है ना यहाँ पे ये ढकना पड़ गया, इस चक्कर में लग गए, वरना 150-150-300 रुपये में हो गया था भाई काम पूरा, 300 रुपये में हो गया था। चल भाई चल लगा। लो भाई बस ये लगते ही तुम्हारी गाड़ी पूरी मॉडिफाई VXI में, सीधा करके लगी तो ठंड लग गई। चल बस चिपका रहे भाई, अब कोई नहीं बताएगा ये गाड़ी VXI है, LXI है, ZXI है, सीधा ये बोलेगा हाँ भाई VXI है। अभी तक अंदर बैठने के बाद तो अलग बात है, लेकिन पूरी वही बताएगा। लो भाई फाइनल हो गया है, बस ये खोपड़ी लगनी रहती है। ये अभी इसी कलर की जा रही है ग्लोसी होने, ये ब्लैक कलर की ग्लोसी होती है पूरी गाड़ी VXI में चेंज। 15,000-20,000 लोग मांगे थे दिल्ली में, 700 रुपये में मात्र, रोड मात्र 700 रुपये में गाड़ी हो गई पूरी मॉडिफाई। देखो मेरी गाड़ी जो है ना ये वाली, ये है कंपनी से, ठीक है, इसमें है ही नहीं ये चीज़। अब वो बंदे ने मॉडिफाई करी है, तो उसमें क्या था, उसमें 700 रुपये लगे हैं बस। 700 क्या ही होता है भाई, पूरा फील VXI का होगा। इंडिकेटर से तुम्हें शीशे में इंडिकेटर मिल जाएंगे, साइड वाले भी तो बेकार लगते ही हैं, उससे गाड़ी की वैल्यू भी कम लगती है। तो गाइज बस अब देखो, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके थैंक यू गाइज, बाय।